थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर, पहली बात तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्शन का प्रोसेस है जिसके अंदर कोई आप सॉलिड सरफेस लेंगे, सॉलिड मैटर लेंगे, उसके अंदर से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो मान लो एक सॉलिड है और हीट जो है वो इसमें से ट्रेवल करेगी हॉट फेस से कोल्ड फेस तक। तो मान लो एक क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, ए है, और ये हायर टेम्परेचर पे है T1, ये हायर टेम्परेचर पे है, और कोल्ड फेस के अंदर बाहर से हीट निकलेगी और इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, और T2 की वैल्यू T1 से कम है। तो हीट मूव करेगी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। कितनी मूव करेगी, क्यों हीट मूव करेगी, क्यों हीट मूव करेगी, क्यों का मतलब यहां पर हीट है। क्यों हीट जो मूव करेगी वो डिपेंड करेगी इनके टेम्परेचर के डिफरेंस पे। जितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रेवल करेगी, और टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू इस केस में बोलो कितनी लिखें, T1 - T2। बड़े में से छोटे टेम्परेचर को क्या कर देना है, माइनस। T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो जितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट जो है वो ट्रेवल करेगी, पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू, हीट कितनी ट्रेवल करेगी वो डिपेंड करेगी टाइम पे। आप एक सेकेंड के लिए हीट को टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हो तो कम हीट जाएगी, अब एक घंटे के लिए मेंटेन करते हो तो ज़्यादा हीट जाएगी, अब दो दिन के लिए हीट टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हो तो और ज़्यादा हीट ट्रेवल करती रहेगी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जितना साइड का एरिया छोटा होगा उतने कम मॉलिक्यूल्स इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, कम मॉलिक्यूल गर्म होंगे तो हीट भी कम जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर देंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल गर्म हो जाएंगे तो और ज़्यादा हीट को ट्रांसफर करवाएंगे, तो अमाउंट ऑफ हीट एरिया पे भी डिपेंडेंट है। तो एरिया बड़ा होगा क्रॉस सेक्शन का, अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा ट्रेवल करेगी। और नेक्स्ट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस है, जो कि x है, तो डिस्टेंस इनके बीच में x है, तो अगर x की वैल्यू इसमें कम है तो हीट इसमें ज़्यादा जाएगी। मतलब पता लगे कि आपने सिर्फ इतनी सी रॉड ली, आपने यहाँ गर्म किया और यहाँ हीट आ गई, डन। पर आपने अगर ये मान लो 1 किलोमीटर लंबी ले ली, लगा के बैठे रहो मोमबत्ती यहाँ पे, पता नहीं कितने सालों में जाके गर्म होगी, होएगी नहीं, बीच में मॉलिक्यूल इतने खुद ही एब्जॉर्ब कर देंगे हीट को, वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। तो जितनी ज़्यादा लंबी होगी लेंथ ऑफ रॉड उतनी हीट कम ट्रांसफर होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इन्हें अगर मैं कंबाइन करूं तो क्यू प्रोपोर्शनल टू ए इंटू T1 - T2 इंटू टी फॉर टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एक्स। तो ये सारी टर्म कंबाइन हो गई। एक और चीज़ रहेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना भूल गया, ये तो लकड़ की बात हो रही थी, प्लास्टिक की बात हो रही है, अरे हीट ही ट्रैवल नहीं करेगी, जितना मर्जी आप एरिया ले लो, जितना मर्जी टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर लो, क्यों, इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड और बैड कंडक्टर तो रह गया, तो यानी कि एक और फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है, मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। तो मटीरियल के लिए यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगेगा के, और के को बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो के का मतलब है कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। ये बताता है मटेरियल कितना गुड कंडक्टर है और कितना गुड कंडक्टर नहीं है या बैड कंडक्टर है। जो बहुत गुड कंडक्टर है उसका के बड़ा होगा, थोड़ा कम गुड कंडक्टर है के कम होगा, और कम गुड कंडक्टर है के कम होगा, बैड कंडक्टर है तो के बिल्कुल ही जीरो होगा, बिल्कुल हीट ट्रेवल नहीं करेगी। तो फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं फॉर्मूला बुकलेट में, हीट जो है एक फेस से दूसरे फेस में जो जाएगी वो इसके इक्वल है, और काफ़ी बुक्स इसको ऐसे भी लिखती हैं, के ए इसको लिखती हैं डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, और टाइम को नीचे लिख लेती हैं ये रहा, इसको बोलती हैं कि हमने क्या कैलकुलेट किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये, दैट इज हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला लिख लो या ये फॉर्मूला लिख लो, बात एक ही है।
तो इसमें आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है देखो नीचे कि अमाउंट ऑफ हीट जो हॉट से कोल्ड फेस में जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है, एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटीरियल के है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी है। इन्हें कंबाइन किया, कॉन्स्टेंट लगाया, और कॉन्स्टेंट लगा के ये फॉर्मूला आ गया कि एक कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। इसके अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को क्या लिखा जाता है, डी क्यू बाई डी टी। इसमें ऐसे लिखा जाता है, ये फॉर्मूला आ गया ना क्यू का, तो क्यू को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स आएगा, ये टर्म आ गई। और स्मॉल इंटरवल के लिए ये डी एक्स लिखा जाता है, डी एक्स लिख सकते हैं, इसको डी टी लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर डी क्यू और डी टी भी लिख सकते हैं। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो ऐसा लिखता है किताब में, ये लिखा जाता है, पर मैंने ऐसे नहीं करवाया, मैंने आपको ये करवाया अभी, क्यू बाई टी का फॉर्मूला क्या करवाया था, के ए टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये मैंने आपको एच का फॉर्मूला लिखवाया था, अब ये याद कर ले तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसके इक्वल है डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी टाइम को नीचे ले आओ, बाकी जो टर्म बची वो डी क्यू बाई डी टी ही होगी। तो जैसे ये इसने कैसे बनाया बता देता हूँ, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्यू का फॉर्मूला या स्मॉल हीट जो ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसका फॉर्मूला के ए टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम स्मॉल टाइम डी टी डिवाइडेड बाई स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स है। डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स है। इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हैं, वैसे बता दूं मैं आपको। तो किताब वाला क्या करता है, इसको एच लिखता है। एच का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि कितनी हीट फ्लो हो रही है पर सेकेंड, इसको बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो क्या है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये रहा, आपकी बुक्स यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाती हैं, तो बता सकते हैं क्यों, सही। देखो ऐसा होगा, इमेजिन करो ये एक रॉड है, ठीक है, ये टेम्परेचर हाई है और ये टेम्परेचर लो है, ठीक है, लो है। मान लो ये T2 है, मान लो ये T1 है, लो है। हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर जाएगी, तो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगी, ठीक है यहाँ तक। अब कितनी हीट जाएगी, डी क्यू हीट जाएगी डी टी टाइम में जाएगी, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, के ए अपॉन लेंथ, मान लो इसकी डी एक्स है, अपॉन डी एक्स कर दिया, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अब होगा क्या, डी टी टेम्परेचर डिफरेंस है, और आप डी टी की जगह क्या पुट करोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, क्योंकि आप तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल ये आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर छोटा है, इनिशियल टेम्परेचर बड़ा है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो तो पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि पॉजिटिवली हीट जा रही है, तो बुक्स वाले क्या करते हैं, यहाँ क्या लगा देते हैं, नेगेटिव, क्योंकि उनको पता है कि आप डी टी की जगह क्या पुट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और जब आप हीट की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, उल्टा आपका टेम्परेचर घटेगा। तो जब आप डी टी पुट करेंगे तो फाइनल में से इनिशियल पुट करेंगे तो आपका डी टी हमेशा नेगेटिव आएगा। इस पूरी टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए वो साइन पॉजिटिव नेगेटिव लगाता है। मैं ऐसा नहीं करता न्यूमेरिकल्स में, मैं पहले माइनस लगाऊं फिर यहाँ माइनस पुट करूं, मैं नहीं करूंगा, मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, मैं बड़े टेम्परेचर में से छोटे को माइनस कर दूंगा, बात ही खत्म, मैं चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं माइनस लगाने के, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, मेरा आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का सवाल पैदा ही नहीं होता इसमें। क्लियर है यहाँ तक, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने किताब पढ़ी और किताब के अंदर ये नेगेटिव आ गया तो मेरे से ये ना पूछें आके, सर देखना आपने तो पॉजिटिव करवाया था पर यह नेगेटिव लिखा हुआ है। तो जो ऑथर नेगेटिव लिखता है वो फिर स्ट्रिक्टली यही रूल फॉलो करता है कि मैं फाइनल में से इनिशियल ही पुट करूंगा और उसका ये टर्म हमेशा नेगेटिव ही आएगा, पर मेरा नहीं आएगा क्योंकि मैं तो बड़े में छोटा माइनस करूंगा तो माइनस लगाऊंगा ही नहीं इसमें। तो ये पॉइंट क्लियर है, तो ये रीज़न दे रहा है इसमें।